बस में बैठे हुए हैं, ये बस है, बस की फर्स्ट सीट पे हम लोग बैठे हुए हैं और ये देखें माशाल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है। वालेकुम फ्रेंड, ये देखिए हम का शिकारपुर आ गए हैं। शिकारपुर नहीं, खैरपुर, इसने बाय मिस्टेक बोल दिया, ये पता तो होता नहीं है शिकारपुर खैरपुर है। वो देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ खैरपुर। आज हम खैरपुर पहुँचे हैं और हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। अभी बीच में बस रुकी है और आगे पहुँच के हम आपको बताते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं अभी हमारी बस रुकी है इस्लामाबाद जाते हुए, ये हमारी बस है और ये हम जा रहे हैं। फैसल ज़रा आप भी बताएं हमारे ऑडियंस। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे माउंटेन्स हैं इधर। कहाँ माउंटेन्स हैं? अच्छा ये वाले तो। हाँ हाँ सही सही। अभी फैसल आपको क्या इरादा है लेने का? मेरा तो लेने का आइसक्रीम का। इसका आइसक्रीम का इरादा देखते हैं अब इसकी अम्मी इसको लेके देती है या नहीं। हाँ मेरी मामा बहुत अच्छी है, मुझे लेके देगी। बच्चे मेरी बुराई कर रहे हैं देख लें व्यूअर्स, ये खाने पीने में पूरी है फिलहाल। हम खा पी के बैठे हैं, इन्होंने खाया नहीं था। नहीं ये कह रहा है मत्थे चढ़ूँ यानी कि ऊपर चढ़ें इसके ऊपर। अब हम ऊपर चढ़ के बैठ जाएं पीछे से बस चले तो वो तो हमें निकाल ही दे। चले हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं और चीज़ लेने जा रहे हैं। मैं आपको अंदर से भी व्यू दिखाती हूँ। हमारा कुल्फ़ी लेने का इरादा था लेकिन बस चलने लग गई तो हमें वापस जाना पड़ा। अब ये देखें अब हम जा रहे हैं वापस सफ़र पर बैठ रहे हैं। ये देखिए हमारा सफ़र अभी तक चल रहा है, कितनी हरियाली है, कितना प्यारा लग रहा है हमारा पाकिस्तान। आप इससे पाकिस्तान की ब्यूटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह। रेस्टोरेंट में आ गए हैं, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है, आप भी कभी आना। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम अंदर जा रहे हैं। अभी हमारा रात का डिनर होगा और अभी हम लोग नीचे उतरे हैं बस से। यहाँ पर इतनी रोशनी है कि आप लोगों को नज़र भी नज़र नहीं आ रहा होगा। बिस्मिल्लाह होटल एंड रेस्टोरेंट है। अभी हम चाय पीने के लिए बैठे हैं। पंजाब की चाय। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम बस से उतरे हैं, सुबह 3:30 हो गए सुबह के। मम्मा ने हमारी नींद ही आराम कर दी हमें ला के, इतनी बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में आप ही देख ही नहीं सकते थे। आप भी कभी आना। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता पड़ा हुआ है, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ सिर्फ हमारे पास एक पराठा है। हम घर से भी खाना लाए थे, रास्ते में हमने खाना नहीं खाया था तो एक पराठा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं फैसल और मेरी सिस्टर मिलके खाएंगे और ये चाय है। और 3 बजे हम बस से उतरे थे और अभी 3:30 बज रहे हैं। आप भी हमसे प्यार करते हैं कभी आप भी अपने घर पर बुलाइएगा, फिर आपके घर आएँगे। बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी और नहीं स्नोफॉल नहीं हुई थी, बारिश हुई थी जस्ट, मुझे तो जस्ट बारिश ही लगी थी। और इतनी ठंड है क्योंकि नवाबशाह तो बहुत गर्म इलाका है ना, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। मैं तो आल क्रेडिट को नहीं जा रहा हूँ मेरे भाई के पास, मेरा भाई हमें बहुत याद करता है इसलिए मैं जा रहा हूँ उसके पास। हम रतवाल क्रेडिट कॉलेज जा रहे हैं, अगर वहाँ पर सुइटेबल इन्वायरमेंट हुआ वीडियो बनाने वाला तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर उन्होंने बनाने दी तो बनाएंगे। अभी हम लोग इस्लामाबाद में हैं।
आपको तो लग रहा है ना पाकिस्तान है तो इसलिए पानी वानी गिरा होगा, आपको लग रहा है ये इस्लामाबाद बहुत खराब है, लेकिन कोई बहुत अच्छे शहर है इसके अंदर, लेकिन ये रोज शहर नहीं की बारिश होती है ना इसलिए ये ऐसा हो गया है। अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं, ये देखिए सूरजमुखी निकल आ रही है। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और हम कैडेट कॉलेज की तरफ मूव हो रहे हैं। ये देखिए हमारे बहुत पक्षी का है, देखिए कुदरत के कैरेट कॉलेज पहुंच गए। ये देखें तामीर मिलत सिटी ऑफ एजुकेशन विजिटर कार्ड मिल गया है। ये देखें रतवाल कैरेट कॉलेज का अंदर का नज़ारा, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। ये देखें अभी हम लोग अंदर ही हैं, अंदर जा रहे हैं। मैं आज अपने भतीजा, हाँ भांजा पता नहीं, भतीजा मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ इस बात में, लेकिन आई थिंक सो भांजा है, हाँ मैं अपने भांजे से मिलूंगी, वो यहीं पड़ता है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बिल्डिंग, आप रतवाल कैडेट कॉलेज की बिल्डिंग देख सकते हैं। ये देखें अब बच्चों से मिलने जा रहे हैं। ओके ये देखें, वालेकुम फ्रेंड, देखिए अब हम यूनिवर्सिटी आ गए हैं। आज मेरी आपी का एक टेस्ट है, इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगी। और ये आज मेरी आपी इसलिए व्लॉग नहीं बना रही क्योंकि उन्हों का टेस्ट है, वो बहुत टेंशन में है। आप उन्हों के लिए दुआ करना वो पास हो जाए और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ओके फ्रेंड्स, हम अभी तो जूस पी के आए हैं लेकिन हमें भूख बहुत लग रही है,
इसलिए हम तो आप ही का टेस्ट हो जाएगा, फिर हम जाएंगे खाना खाने। ओके फ्रेंड्स, वेलकम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, कितनी टेस्टी है। फ्रेंड्स, अब हम फैसल मस्जिद में आ गए हैं। मेरा नाम भी फैसल है और मेरी मस्जिद में मैं पहली बार आया हूँ। मेरी मम्मा तो दो बार आई है, दूसरी बार आ रही है और मैं पहली बार आ रहा हूँ। अल्लाह की देखो कुदरत कितनी अच्छी है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है, ये इंसानों ने बनाई हुई है। तो भी कितनी प्यारी है ये, देखें अभी आपको अंदर से भी इसका नज़ारा दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। अब हम चप्पल रखेंगे, आप देखिएगा। ये देखें, अब चप्पल रखने का टाइम आ गया है। ये देखें अब ये देखें। अब भाई जरीना से हम पूछते हैं, जब ये फैसल मस्जिद फर्स्ट टाइम आई थी तो इनका क्या रिएक्शन था, आप बताएं ज़रा। अरे बोलें, क्या हो गया? व्यूअर्स भी सोच रहे हैं इनकी बहन बोलती नहीं है। बहुत अच्छा था उस टाइम तो, मौसम भी बहुत नाइस था, गर्मी नहीं थी। आज तो गर्मी भी बहुत लग रही है, बच्चों की वजह से आना पड़ा मुझे, तो बस हम आ गए। अब कहाँ चलना है, अब हम ऊपर चढ़ेंगे। ये देखें माशाल्लाह फैसल मस्जिद का नज़ारा, ये देखें। अब आप हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे, पूरी पब्लिक बिजी है तस्वीरों निकालने में। जी ये संगे मरमर है, मतलब महंगा तरीन पत्थर, इसे ये बना हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, अभी हम करीब से आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखें पहाड़ बने हुए हैं, वो देखें। फिर आते हैं हमारे पाकिस्तानी जो मस्जिद में भी, ये देखें स्लाइड्स खा रहे हैं, ये होते हैं पाकिस्तानी। आप लोग देख सकते हैं ये ट्रैफिक और यहाँ पर लोगों का रश। ये देखें, ये सामने एक बच्चा। अब हमें पता चल रहा कि इसका जो मेन गेट है जहाँ से हम लोग पूरी फैसल मस्जिद का नज़ारा कर सकते थे, वो बंद हो गया है, तो हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते। ओके डियर, सब देख सकते हैं आप लोग, मतलब बड़ा नज़ारा। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं फैसल मस्जिद, और ये हम लोग बाहर आ गए हैं, बिल्कुल बाहर नहीं आए, ये इसके सामने ही हैं, ये देखें। और आप लोग के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि आप लोग को वीडियो बना के दिखाऊँ, जिन्होंने फैसल मस्जिद नहीं देखी या जो देखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनी है। ये देखें, ये देखें, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को चुप करवा रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई तस्वीरें ले रहा है, कोई मेरी तरह व्लॉग बना रहा है, पूरी जो दुनिया है वो अपने ही कामों में मगन है और हम आपके लिए व्लॉग बनाने में मगन है। मैंने अभी तक पिक्चर्स भी नहीं ली, एक तो रात का टाइम है, ऊपर से मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने अभी तक तस्वीरें भी नहीं ली, सेल्फीज़ वगैरह, स्नैपचैट वगैरह कुछ भी नहीं किया, सब कुछ करना बाकी है। और बाहर टैक्सी भी खड़ी हुई है, यानी सब कुछ मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अब हम वापस जा रहे हैं और ये आपको ये मून नज़र आ रहा होगा, ये मून है और ये यहाँ का नज़ारा। और मैं यहाँ पर कंफ्यूज़ हो रही हूँ कि जाना कहाँ से है, और क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद है मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। हम जस्ट हाफ और यहाँ पर रहे थे क्योंकि टैक्सी पर आए थे, तो जो इस्लामाबाद में रहता होगा उसे आइडिया होगा कि टैक्सी वाला ज़्यादा जो है वेट नहीं करता, तो हमें वापस जाना पड़ रहा है। और एक तो सीन आपको बताना ही भूल गई, हम लोग डाइवो पे आए थे और वापस बुकिंग भी हमने डाइवो की ही करवाई थी, लेकिन मेरा टेस्ट जो है वो काफ़ी देर तक चला था,
तो हमें वापस रुकना पड़ा। ट्रेन स्टेशन पे गए तो ट्रेन जा चुकी थी। हम बेचारे अपना टाइम गुजार रहे हैं बस अब यहाँ पर।